तमाम जो हुज्जाज इकराम जो हज के लिए रवाना हो रहे हैं, अल्लाह ताला आपके इस सफर को आसान फरमाए, उसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। ये दो चादरें होती हैं, ये देखें, ये दो चादरें हैं। ये एक चादर जो है वो हमने उसके नीचे वाले हिस्से को ढांकना है जो हमारे सतर को छुपाएगी। ये हमने एक दो चादर के कोने हैं, एक कोने को हमने जो है वो अपने उल्टे हाथ से जो है वो उसको अंदर किया, इतना टाइट कर दिया कि आसानी के साथ वो दब जाए। उसके बाद दूसरे हिस्से को हमने इस तरह करके और ये बिल्कुल इस तरह बना लिया और इस तरह इसको फोल्ड किया कि वो हमें बेल्ट बांधने की भी जरूरत महसूस ना हो। ये हमने इस तरह इसको, ये पहली चादर हो गई, दूसरी चादर को उठाते हैं। ये दूसरी चादर को हमने बिल्कुल इस तरह अपने कंधों पर डाला। कंधों पर डालने के बाद ये हमने इस तरह इसको लपेट दिया। ये चादर दूसरी जो आ गई है वो आपका आराम मुकम्मल हो गया। इसके बाद जब आप मताफ में जाएंगे और जब उमरा शुरू करेंगे आप, तो उसमें जो है आपने रमल करना है। जब रमल के चक्कर होंगे तो उसका आपने सीधा कंधा खाली करना है और इसको आपने ये इस तरीके से करना है। ये सीधा कंधा आपका खाली होगा और ये आपने इस तरह से जो है वो आपके ये चादर इस तरीके से हो जाएगी। उसके बाद जब आप वाजिबुल तवाफ पढ़ेंगे, जब उमरा करने के बाद वाजिबुल तवाफ पढ़ेंगे, फिर आपको इसी कंडीशन में दोबारा पाएंगे। इस कंडीशन में होने के बाद फिर आपने वाजिबुल तवाफ पढ़ना है। अगर आपने कंधा खुला हुआ आपने वाजिबुल तवाफ पढ़े तो वो आपके वाजिबुल तवाफ नहीं होंगे, आपका तवाफ मुकम्मल नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी इसका ख्याल करें।